भारत में कृषि कार्य सदियों से होते आए हैं। धान भारत की प्रमुख फसलों में से एक है। देशवासियों के आहार का अभिन्न हिस्सा है। भारत दुनिया के धान उत्पादन देशों में एक है। धान रोपाई के परंपरागत तरीकों में बीज को नर्सरी में बोया जाता है, फिर पौधों को धीरे से निकाल कर साफ करके गुच्छे बनाकर जुताई किए गए मिट्टी में बोया जाता है। हाथ से रोपाई करने का काम बहुत मुश्किल एवं थकाने वाला होता है। धान की रोपाई में कई घंटे तक झुककर काम करने से मुश्किलें आती हैं। आज के समय में खेती मजदूरों के फैक्ट्रियों एवं दूसरे कामों में जाने के कारण रोपाई के समय मजदूरों में काफी कमी आ गई है। नया तकनीक और किसानी काम में विकास के कारण हाथ रोपाई की जगह अब मशीन रोपाई ले रही है और इसके लिए धान रोपाई मशीन एक अच्छा उपाय है। मशीन रोपाई के लिए पहला कदम चटाई नुमा नर्सरी तैयार करना होता है, जो कि अच्छे परिणाम के लिए बहुत जरूरी है। मशीन रोपा में एक एकड़ खेत में बुआई करने में आमतौर पर 15 से 20 किलोग्राम अच्छा बीज काफी होता है। आमतौर पर गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट 1:3 के अनुपात में मिट्टी में मिलाया जाता है। अगर चिकनी मिट्टी हो तो इसमें 1 भाग रेत 1 भाग गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट 3 भाग मिट्टी में अच्छी तरह से मिलाया जाता है। मिट्टी के मिश्रण को फ्रेम के सतह तक सभी तरफ समान रूप से फैला दें। फ्रेम इस्तेमाल करने का मकसद यह बीज की बचत करना और पौधों को चादर को आसानी से निकाल लेना और बीज बेड की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर समान रूप से बनाए रखना। अगर ऊंचाई होगी तो रोपाई ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी। अंकुरित बीज के नस्ल अनुसार 120 से 150 ग्राम हर खंड में समान रूप से बुआई कर देनी चाहिए। बीज की क्यारी को पैरा या पतला आलू बोरी से ढक दे ताकि यह बारिश के बूंदी और चिड़ियों से सुरक्षित हो जाए। मौसम के अनुसार 3 से 4 दिन तक दिन में 2 से 3 बार रोज केन से बीज बेड से पानी दे। बीज के बेड को कभी भी सूखने न दें।